हमारा लंच हो चुका है और अभी हम थोड़ा यहाँ पे ना बाहर बैठे हैं, बाहर के व्यूज थोड़ा ले रहे थे। तो मुझे लगता है ये वाला एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी हमारी जर्नी जो है वो वर्णव की तरफ स्टार्ट होगी, वो इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहे आप चैनल में और एंजॉय कीजिएगा पूरी सीरीज। यहाँ पे ना ये दीवार, पूरी दीवार पे इन्होंने नो ड्रग्स, ना ड्रग्स फ्री नेशन के लिहाज से पेंटिंग्स की है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ पार्क करके रखी है। ये आप देख सकते हैं बड़े अच्छे ना बेहतरीन अंदाज से इसको प्रेजेंट किया गया है। ये ड्रग्स वगैरह से ना रब हमारी कौम को बचाए और हमें तौफीक दे अच्छी ना ज़िंदगी गुजारने की। तो चलें बिस्मिल्लाह ताकतिल्लाह। तो टाइम हो चुका है, 2:30 बज गए हैं। अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। चलें जी वर्णव की तरफ, जुनैद लीड करेगा, उसको पता है कहाँ से जाना है। खाना ना बहुत ज़बरदस्त था, बटर चिकन बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ेदार था। माई कपवारा माई प्राइड, सही बात है। तो हमें यहाँ कुछ राइट साइड से जो है ना, लेफ्ट से यहाँ ऊपर जाते हैं लोलाब के लिए, और यहाँ कोई ना बाईपास कह रहा था जुनैद कि बाईपास को फॉलो करते हमने जाना है। वरना वो बहुत खूबसूरत अमेजिंग जगह है, मैंने सुना है इसके बारे में, बहुत कुछ सुना था। तो आज इंशाल्लाह हम लोग जो है वर्णों को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में जो भी ना प्लेसेस होंगी उनको आपके साथ शेयर करेंगे। कल का हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि कल हम निकलेंगे जो देवर वगैरह है उस एरिया को कवर करने के लिए। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया कि बाईपास कहाँ पे कनेक्ट होता है, शायद वहाँ। हाँ, ये वाला जो एरिया हमने स्किप कर दिया और यहाँ से हम आगे सेम लोलाब वाले रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो अमेजिंग लैंडस्केप्स है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज आ रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, लोलाब वैली बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना जितना उसमें ना ब्यूटी है उतना मैं अपने ना कैमरे से उसको कैद करने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं आप कुपवारा के सीन्स, बाईपास वाला जो रूट है इसको हम अभी फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो अभी प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया, हम लोग पहले जा रहे हैं कलारूस, एंड ये है जी गेटवे ऑफ लोलाब वैली। वेलकम टू लोलाब वैली, यहाँ से स्टार्ट होती है लोलाब वैली। कलारूस अभी 8 किलोमीटर दूर है। लास्ट टाइम हम आए थे, एक राइड थी डीलरशिप की राइड थी ZMR बारामूला की, तब हम लोग लगभग 20-30 बाइकर्स आए थे, तब ये रोड सही था। उसके बाद आज मैं बाइक पे आ रहा हूँ और आई होप कि इंशाल्लाह आज की राइड ना सही से जाए और बहुत मज़ा आ जाए। उमरियाल हम पहुँच गए हैं और मुझे लगा चाय की दुकान है। हाँ, हम थोड़ा रुक के यहाँ चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। ओए ये तकलीफ है भाई गियर्स लगा के इस पे। चाय के लिए यहाँ पे ब्रेक ली थी क्योंकि आगे जो है कॉनवाई जा रही थी, हमने सोचा थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे चाय पियेंगे, तब तक कॉनवाई आगे जाएगी और हमें रास्ते में ना रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल चाय हो गई ख़त्म और अभी हम निकल रहे हैं आगे कलारूस की तरफ। मुझे नहीं पता जगह का नाम क्या है, पता करते हैं। लेफ्ट से निकलना है हमें इसके लिए, एंड यही है मच्छल वाला रूट और हमें यहाँ से जाना है लोलाब के लिए। यहाँ से जाते हैं मच्छल, फयाज अहमद, जगह का नाम नहीं हो सकता है ये, कहीं रुक के नहीं ऐसे ही। चलो जी यार, कोई यहाँ का है या किसी को पता है जगह का नाम तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये अपना JK बैंक का ATM, पुराने मकान को थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है मॉडर्न तरीके से और बहुत अमेजिंग और ख़ूबसूरत दिखता है। चलें चलें जी, चेक करें जी, चेक करें, खूबसूरत खूबसूरत व्यूज। अभी तक हमें कोई ना लकड़ी का मकान इस साइड देखने को नहीं मिला है। कलारूस में गया नहीं कभी और मछल मेरे को जाना था, लेकिन इस साल भी मुकद्दर में नहीं लिखा था। जब लिखा होगा तब पता ही नहीं चलेगा कैसे प्लान बनेगा और
जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने देखा कि जगह का नाम है मैदानपोरा, और यहाँ पे ना कुपवारा में, नॉर्थ कश्मीर में अगर देखा जाए तो कुपवारा का प्रोनाउंसिएशन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बारामूला या बांडीपोरा। सोपोर का भी थोड़ा सा बांडीपोरा से डिफरेंट है, बारामूला और बांडीपोरा का थोड़ा सा मैच हो रहा है, सोपोर का बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का तो बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट है। यह हम कह सकते हैं कि खूबी है इलाके की। माशाल्लाह चेक करें ज़रा खूबसूरत व्यूज़ यहाँ के, नीचे से ये नाला बह रहा है और ऊपर से लगता है छोटी सी कैनाल गुजर रही है आगे वाले किसी एरिया के लिए। अमेजिंग व्यूज़ आ रहे हैं, खूबसूरत रोड बनी है, लाइनिंग दोनों तरफ से की हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे ना बिल्कुल कर्व जो है ब्लाइंड है। वाह वाह वाह, ये जी यहाँ से इस बस्ती के लिए ना रोड जाता है। ओहो, चेक करें ज़रा वो पहाड़ जो है ना बर्फ से ढके हुए, और मछल के लिए रोड यही है, यही से जाते हैं मछल के लिए। और जो ना आगे हमें इसमें ज़मींदार गली मुझे लगता है पड़ती है, कलारू से भी 2 किलोमीटर दूर है। वार्ड वन वैली जैसी फील है, खूबसूरत खूबसूरत। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, बहुत कमाल का लैंडस्केप। और मन करता है यार पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर लूँ। कलारस के ना बस्ती में एंटर हो चुके हैं, और मुझे नहीं पता ना अभी केव कितना दूर है, किस साइड पड़ता है। जुनैद को बोला है मैंने वैसे कि वो मैप डाल दे और उसको फॉलो करते करते हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अमेजिंग जगह ये जी, बात कर रहा था मैं वुडन हाउसेस की, पहला वाला हमने देखा यहाँ पे। हमें राइट लेना है क्या? पता करो ज़रा यहाँ से। मच्छल से यहाँ पर चलें जी। ठीक है, पर को केव हाँ कलार उसके कोता दूर छू। चलो जी ठीक, शुक्रिया। तो यहाँ से जाते हैं मच्छल के लिए, और ये है रास्ता जी कलारूस केव के लिए। एज़ पर लोकल्स अभी 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है तो कहीं पहाड़ी पे वो है। अब ट्रैक ना करना पड़े बस ये चीज़ है, क्योंकि ट्रैक के मूड में अभी है नहीं। गूगल पे डला ऐसा ही ना, गूगल फंसा देता है इंसान को। जुनैद लगाया था गूगल मैप और ये इसको सही रास्ता नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे ना लोकल से बात की हमने, इन्होंने बोला कि सतबरन इसका लोकली नाम है, यानी कि जहाँ पे ना 7 दरवाजे हों। ये देखो पॉलिथीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ओए ओए ओए, रब खैर करे। जगह बहुत अमेजिंग है, लेकिन यही है कि पॉलिथीन देखो ज़रा हर जगह देखने को मिल रहा है। हमने सुना था कि यहाँ से ना रशिया के लिए ये केव जाता था, लेकिन हकीकत कितनी है आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया। बहुत सारे केवर्स आ गए इसको एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कोई क्लू ऐसा नहीं मिला। हमारा दानिश भाई भी लास्ट टाइम आए थे, और लोकल्स में से सबसे पहला वैसा बंदा था जिसने उतना एक्सप्लोर किया था केव को। वो है जी केव। रोड कैसा है भाई? कीचड़ है, कितनी कीचड़ है? हाँ हमने अपनी बाइक यहाँ पे रखी है और हमारा ट्रैक स्टार्ट। मूड नहीं है वैसे ना केव तक जाने का, क्योंकि गियर्स सारे लगाए हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा चलना ना नामुमकिन चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ना रोड की कैसी कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर्स ने रोड्स जहाँ जहाँ ख़राब हो गए ना, ये ऑफ रोड्स, वो ट्रैक्टर्स ने ख़राब कर दिए हैं। यही हाल ऊपर तक है सारा। मेरा फुल गियर से टाइट लगा हुआ है, और जिसकी वजह से
चल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ऊपर से वार्म जो है लाइनिंग लगी हुई है, गर्मी भी अच्छी खासी फील कर रहे हैं। वो है जी केव, सतबरन कहिएगा या कलारूस केव। अभी वहाँ तक जाने के लिए ट्रैक करना पड़ेगा, जो शायद मैं आज नहीं करूँगा। लगभग 15 से 18 किलो का गियर्स लगाए हुए हैं, पॉसिबल नहीं है। या तो गियर्स यहाँ निकालने पड़ेंगे और फिर ट्रैकिंग पॉसिबल होगी, जो मैं करूँगा नहीं। यह है जी केव और यहाँ पे कुछ हट्स बनी हुई हैं ये, और वहाँ तक ट्रैक करना पड़ेगा। इतने सारे गियर्स लगाए हैं, गियर्स लगा के ट्रैक करना नामुमकिन चीज़ है। बैठते हैं थोड़े टाइम यहाँ, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये है कलारूस केव, और जो ना अनफॉर्चुनेटली आज हम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि गियर्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और हमें ट्रैक करना पड़ेगा। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि हम लोग वहाँ तक जाए। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे, समर्स में आएंगे, उस वक्त उतने कपड़े गियर्स वगैरह नहीं होंगे, तो तब जाके इंशाल्लाह पॉसिबल करेंगे। तो ये था आज का वीडियो कोपारा से लेके कलारूस तक, और अभी जो है इसके बाद हम जा रहे हैं वर्णव की तरफ, वहाँ हम रात को नाइट स्टे करेंगे। बने रहें चैनल में, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला एपिसोड वही वर्णव वाला आएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ना इस पूरी सीरीज़ में जितना हो सके मेरे से लोलाब वैली को ना आपके साथ शेयर करूँ।